हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन. दिस इज़ विनय पांडे हियर अगेन. डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैट्रिसेस की नेक्स्ट वीडियो में आज फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ. आई होप आपने प्रीवियस तीनों लेक्चर्स मैट्रिसेस के देख लिए होंगे. जिसने भी लेक्चर्स मिस किए हैं, पहले उन वीडियोस को देखने के बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें. आज का जो वीडियो है, पहले से ही मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. फिलहाल मैंने जो टॉपिक लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ये तो सिर्फ अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमको किस फॉर्म में मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा. लेकिन जो मेन टॉपिक आज का हमारा मेन टारगेट रहेगा, मेन फोकस जिस टॉपिक पर रहेगा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपका क्लास 12 से लेकर के जहाँ तक आप मैथ्स पढ़ते हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं पे वो किसी न किसी फॉर्म में यूज़ होता रहता है. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, उसको ध्यान से समझना होता है. तो इस वीडियो को आप स्किप ना करें और इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. तो पहले हम बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और देन हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. तो स्केलर आपको पता है, स्केलर का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर. और किसी भी पर्टिकुलर नंबर को अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्केलर है 2 और इस स्केलर को मल्टीप्लाई करना है. सपोज़ एक के है, के इक्वल टू 2 है और एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2, 3, 4, 5. हालांकि ये अगर आपने पुराने सारे वीडियोज़ देखे हैं तो मैंने वहाँ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया था. फिर दोबारा से देख लीजिए, अगर मुझे k इंटू ए निकालना है तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 इंटू द मैट्रिक्स 2, 3, 4 एंड 5. इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस मैट्रिक्स देन द करस्पॉन्डिंग ऑल द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल मल्टीप्लाई द विद द स्केलर. मीन्स जो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को अगर आपको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो ये स्केलर हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से 2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 5. तो आंसर क्या हो जाएगा 4, 8, 6 एंड 10. यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स है. तो इसमें क्या करना होता है आपको, किसी भी स्केलर को अगर आपको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो उस केस में वो जो स्केलर है वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये मेन कंसेप्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का. एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ जिससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. सॉल्व द इक्वेशन x²y²-3x(2y)= -2 and 9. तो ये हो जाएगा x²y² मल्टीप्लिकेशन करना है आपको. तो ये 3 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 3x हो जाएगा और ये 6y हो जाएगा -2 and 9. और दो मैट्रिसेस का अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो वो तभी सब्ट्रैक्ट होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो. ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है. x²-3x(y²-6y)=-2 and 9. तो इक्वेशन हो जाएगी x²-3x(-2) एंड द सेकेंड इक्वेशन विल बी y²-6y=9. तो x²-3x+2=0, y²-6y-9=0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. तो x-1 and x-2 इसके फैक्टर्स आएंगे तो x की दो वैल्यूज़ ये हो गई और यहाँ से 3±3√2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं. तो ये टॉपिक है क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा. अगर वो नंबर नेगेटिव में है तो अंदर भी उसके माइनस के साइन को आप ले जा करके साइन चेंज कर सकते हैं. ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की. अब जो मेन टॉपिक आज का हमारा है वो है
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इसको आप ध्यान से देखिए। सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस, ए इज इक्वल टू ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन एंड ए टू टू, एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन, बी टू टू। सपोज़ ये दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको ए इंटू बी निकालना है। तो ए इंटू बी निकालने के लिए ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन एंड ए टू टू इंटू बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन एंड बी टू टू। इसको मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन होगा सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, और पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बीच में एडिशन का साइन आएगा, फिर दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बनेगा ये, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। तो ए वन वन इंटू बी वन वन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए वन टू इंटू बी टू वन, ये पहला एलिमेंट हो गया। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे एंड ऐसे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ए वन वन इंटू बी वन टू, ए वन वन इंटू बी वन टू, प्लस ए वन टू इंटू बी टू टू, बी टू टू। अगेन ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सेकेंड रो में आएंगे हम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा, ए टू वन इंटू बी वन वन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, प्लस बी टू टू इंटू, सॉरी ए टू टू इंटू बी टू वन। इसी तरीके से सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ए टू वन बी वन टू प्लस ए टू टू इंटू बी टू टू। ये मैंने एक जनरल मैट्रिसेस लेकर के आपको बताया। जो फर्स्ट रो है वो इंडिविजुअली हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब लिख दिए हमने। फिर उसके बाद सेकंड रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, वो सेकंड रो बनेगी इसकी। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं और लूँ, सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स इज सिक्स नाइन और इसका सेकंड कॉलम है, रो है टू थ्री, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको टू सिक्स जीरो सेवन नाइन एट। अच्छा, अब आपको इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कि हमने एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में तो पढ़ा था कि एक दो मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, सॉरी रोज नहीं कॉलम, सेकेंड फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रोज के। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हो जाए तो उस केस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये रूल आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कोई भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के सेकंड मैट्रिक्स के। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, टू, और ये कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स के रोज कितनी है, टू। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता कि नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या याद करना था आपको कि दो मैट्रिसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर ऐसा नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं था, ये हमने वहाँ देखा था। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा है कि इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स देन द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल।
तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 6 × 2, ध्यान से देखिएगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई, 6 × 2 प्लस 9 × 7। फिर फर्स्ट रो का सारे कॉलम से होगा पहले बार में, फिर सेकंड रो का सारे कॉलम से होगा सेकंड बार में, ऐसे करके आपको याद रखना। फिर 6 × 6 और 9 × 9, फिर ऐसे थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 6 × 0 प्लस 9 × 8, ये फर्स्ट बन गया। अब ऐसे ही फर्स्ट रो का सारे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो अब आप सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 × 2 प्लस 3 × 7, फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम से 2 × 6 प्लस 3 × 9, और ऐसे तीसरा 2 × 0 प्लस 3 × 8। बस अब ये सिंप्लीफिकेशन आपको कर लेना है, 12 प्लस 63, 36 प्लस 81 एंड 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 12 प्लस 27, 0 प्लस 24, तो कितना आ जाएगा आंसर, 75, 117, 72, 25, 39 एंड 24। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या हमने सीखा, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल हमने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। और यहाँ पे देखिए, अब इसका ऑर्डर था 2 by 2 और इसका ऑर्डर था 2 by 3, तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर फिर से कितना आ रहा है, 2 by 3। अब अगर इसको हमको रूल में अप्लाई करना है, मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हमको लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे इसको, देखिए आप, ये रूल आपको याद भी रखना है कि लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर्स एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस पी रिस्पेक्टिवली देन द मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन द सेकेंड मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे इक्वल है तब ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो ए इंटू बी ऑर्डर जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, पहली वाले की रो और सेकंड वाले के कॉलम, ये इसका नया जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगी उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगे एम और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे पी। बस ये आपको याद रखना है, यही इसका थंब रूल आप समझ सकते हैं कि बेसिक रूल ये है जो आपको याद रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ और खुद ही आप सोच करके उसका आंसर इमेजिन करिए, और फिर मैं उसका आंसर भी आपको बता रहा हूँ। अगर दो मैट्रिसेस ए और बी, ए का ऑर्डर है 2 by 5 और बी का ऑर्डर है 5 by 3, ये ए का ऑर्डर है, ये बी का ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी कितना होगा, सोचिए। ऑर्डर ऑफ ए बी तो आप तब निकालेंगे जब आपको ये पता लग जाए कि ए बी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन का पॉसिबल है कि जब सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे इक्वल है, तो यानी कि ए बी का जो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल है।
और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स ए बी बनेगी तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 बाय 3, यानी कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी उस नई मैट्रिक्स का उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3। तो एक क्वेश्चन फिर मैं और सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैट्रिक्स हमने ले ली 2 4, और बी मैट्रिक्स ले ली हमने 1 2। सपोज़ ये है, इसमें ए बी निकालना है, क्या ए बी पॉसिबल है, पहले ये सोचिए। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 1 बाई 2, इसका ऑर्डर कितना है 1 बाई 2। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा ये। अब अगर इसी तरीके से ए इक्वल टू 1 2 हो, बी इक्वल टू 2 4 है, देन क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 1। इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाई 2। ऑर्डर मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम 1, सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 1, यानी कि द मल्टीप्लिकेशन ए बी इज़ पॉसिबल। ए बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए, ए इंटू बी। अब जो नई मैट्रिक्स ए बी आएगी उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाय 2, यानी कि जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 कॉलम होंगे और 2 ही रोज़ भी होंगी। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, ए बी ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2, फिर ये 1 इंटू 4। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। फर्स्ट रो जो है हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो में आ जाते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एक एक ही एलिमेंट है तो एक एक ही एलिमेंट आएगा बस, 2 इंटू 2, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा, 2 4 4 एंड 8। आप देखिए ऑर्डर भी सही आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। तो सबसे मेन जो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है वो क्या है, कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब दो मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नई मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर भी आप कैसे निकालेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन सॉल्व करें इससे रिलेटेड, जितने आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आप करते रहेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता रहेगा। फिर भी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में कहीं पे भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हर वीडियो की तरह आज फिर मैं आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें और इसके अलावा भी क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो मैट्रिसेस दी हैं, आपको एक्स निकालना है, और एक्स एक मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है 2A। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँ आपको, 2A दिया हुआ है। 2A का मतलब हो गया 2 इंटू, ये हो जाएगा 4 2 -5 1 प्लस 3x। फिलहाल x को ऐसे लिख रहा हूँ मैं, 5b 8 0 4 -2 3 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी बताया मैंने आपको, ये 4 -4 8 4 -10 2 प्लस 3x 40 0 20 -10 15 30। इस मैट्रिक्स को आप एक्स निकालने के लिए 40 0 20 -10 15 30, और ये मैट्रिक्स इधर माइनस में आ जाएगी। बेसिक रूल जैसे होता है, 8 4 -10 2। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आपको बताया, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएगा और ये 3 कहाँ आ जाएगा, सबके अपॉन में। तो वो एक्स मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी, जो मैंने आंसर यहाँ पर इसका फर्स्ट वाले का आंसर मैंने लिखा हुआ भी है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन क्वेश्चंस को देख लें और सॉल्व करते रहें। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ मैं। इसमें एक्स प्लस वाई आपको दिया हुआ है 5 2 0 9, और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है 3 6 0 -1। क्लास 10th में एलिमिनेशन आपने किया हुआ है, एलिमिनेशन मेथड, दो इक्वेशंस आपको दिए हैं उनसे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या होगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होगा, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8 0 एंड 8, और ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो एक्स कितना आ जाएगा, सबके अपॉन में चला जाएगा 2 4 4
04। और ये x आप यहाँ रख लो x की जगह पे, फिर इधर माइनस में जा करके y भी निकाल सकते हो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके होंगे आने वाले टाइम में, तो उन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस कभी ना कभी हर एक दो दो साल के गैप में रिपीट कर दिया जाता है CBSE या जितने भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी आपको एलिमिनेशन ही लगाना है, इसको भी सॉल्व करके एक्स और वाई निकालें आप। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, आपको ए और बी दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि पहले ए बी निकालना है, यानी कि ए इंटू बी निकालना है, ए पहले बी बाद में, फिर आपको बी इंटू ए निकालना है, बी पहले ए बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये जो दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएंगी वो दोनों मैट्रिसेस अलग अलग होंगी, ये प्रूफ करना है। यहाँ पे ये अभी क्वेश्चन भी कराया मैंने, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x इंटू x प्लस 4 इंटू -8 = 0 एक्स निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। एंड द लास्ट वन इज़, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस देन शो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू दिस। ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए इंटू ए, और ए इंटू ए कैसे निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है कैसे, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से हर एक वीडियो को ध्यान से देखें आप, कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे जो हमारा फोकस रहेगा वो हम देखेंगे कि जो हमने मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखा था उसमें मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सेटिस्फाई हो रही हैं, या जो मैट्रिसेस हैं उनको अलग अलग नेम वाइज, जैसे आइड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इन वीडियोस को देखते रहें।